जागरूक संघर्ष न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं जागरूक संघर्ष यूट्यूब चैनल। इस महीने में दो बड़ा महत्वपूर्ण घटना हुआ यूपी के राजनीति में। एक राजा भैया का तलाक हुआ और एक सूबे के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह का। मैं ये कहता हूँ कि तलाक होना बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, बहुत जगह तलाक होते हैं, लेकिन मीडिया का स्तर इस तरह गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि टीआरपी बटोरने के लिए तो दयाशंकर जी का, स्वाति जी का कैसे लव हुआ, कैसे ये हुआ वो हुआ, अगर किसी का व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत जीवन को समाचार का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। ये टीआरपी के लिए गिर गया है मीडिया का स्तर, इसलिए पत्रकारिता जगत में पत्रकार का नाम लेते ही लोग ऐसे मुंह फुलाते हैं, मतलब मुंह सिकोड़ते हैं कि पूछिए मत। अरे ठीक है, दयाशंकर जी की अपनी राजनीतिक भूमि थी, स्वाति जी चुनाव लड़ी, मंत्री बनी, हर व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अब दयाशंकर जी का कुर्सी हमको मिलने चाहिए और स्वाति सिंह सीट छोड़ने तैयार नहीं थी, विवाद बढ़े, तलखियां बढ़ी, विधिक रूप से तलाक हो गया। तो भाई अब इसमें दर्द क्या है किसी को, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन किसी का भी व्यक्तिगत होता है, राजा भैया का हो चाहे दयाशंकर जी का हो, सबका व्यक्तिगत जीवन होता है। तो मेरा सिर्फ कहने का यह मतलब है कि टीआरपी के लिए किसी की व्यक्तिगत लाइफ को इस तरह न्यूज का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। माँ बाप, धन दौलत, रुपया पैसा, इज्जत, पति पत्नी, भाई बेटा, सब छोड़कर चले जाएंगे, यहां तक आपको भी जाना है। तो कुछ ऐसा कर जाइए कि मरने के बाद भी लोग याद किए जाएंगे फलाने कोई थे। निश्चित रूप से दयाशंकर जी ग्रास रूट के नेता रहे हैं, राजा भैया अलग अपना व्यक्तित्व रहा है। मैं किसी के समर्थक नहीं हूं, मैं तटस्थ ये टिप्पणी कर रहा हूं कि इस तरह किसी के व्यक्तिगत जीवन को टीआरपी के लिए न्यूज का केंद्र नहीं बनाना चाहिए।